हमें, आपको और सभी को हिचकी तो आती होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हिचकी हमें क्यों आती है? आमतौर पर लोगों की धारणा होती है कि जब हमें कोई याद करता है तब हमें हिचकी आती है। आज हम आपको हिचकी आने के वैज्ञानिक कारणों के बारे में बताएंगे। हिचकी हमारे शरीर की एक प्रतिवर्ती क्रिया है। आइए हिचकी के बारे में जानने से पहले हम अपने शरीर की कुछ आंतरिक क्रियाओं के बारे में जान लें। जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल की हवा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, वह हमारी नाक से, ग्लॉटिस से होती हुई श्वास नलिका और फेफड़ों में पहुंचती है, और अंदर की हवा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, वह इसी रास्ते से बाहर निकल जाती है। ग्लॉटिस हमारी श्वास नलिका के ऊपरी भाग पर स्थित रहता है, जिससे कि स्वरयंत्र जुड़े रहते हैं। स्वरयंत्र के हिलने से आवाज उत्पन्न होती है। ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस बंद होके हमारे खाने को हमारी श्वास नलिका में जाने से रोकता है और खुलकर हवा को आने जाने का रास्ता देता है। श्वसन क्रिया मुख्यतया एक मजबूत मांसपेशियों के बने गुंबद के आकार के डायफ्राम के फैलने या सिकुड़ने से होती है। यह डायफ्राम हमारे वक्ष तथा उदर या पेट के बीच में स्थित होता है। जब यह डायफ्राम सिकुड़ता है तथा नीचे की ओर जाता है तो फेफड़ों में हवा का दबाव बाहर की अपेक्षा कम हो जाता है और हवा स्वयं ही फेफड़ों में आ जाती है। जब यह डायफ्राम फैलता है तथा ऊपर की ओर जाता है तो फेफड़ों में हवा का दबाव बाहर की अपेक्षा बढ़ जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। यह क्रिया साधारणतया सामान्य रूप से बिना आवाज के चलती रहती है और एपिग्लॉटिस खुलकर हवा को आने जाने का रास्ता देता रहता है। जब हमारे शरीर में पाचन तंत्र संबंधी कोई असामान्य स्थिति पैदा होती है, जैसे कि अधिक अम्ल बनना या अधिक गैस का बनना या लिवर या यकृत संबंधी बीमारी, तो यह डायफ्राम अचानक से उत्तेजित होकर नीचे की ओर चला जाता है और सिकुड़ जाता है, जिससे हवा का दबाव अंदर की अपेक्षा बाहर बढ़ जाता है और बाहर से हवा तेजी से आके ग्लॉटिस पर तेज दबाव डालती है, जिससे स्वर तंतु हिल जाते हैं और हिक की आवाज आती है, जिसे हिचकी आना कहते हैं। हिचकी हमारे शरीर के विकारों को दूर करने का प्रयत्न करती है, जिससे कि हमारी सांस सामान्य रूप से चलती रहे। हिचकी कुछ मिनटों तक या लगातार कुछ देर तक आ सकती है। इसे हम पानी पीकर, थोड़ी देर सांस रोक के या तेज सांस खींचकर रोक सकते हैं। इन उपायों से हिचकी ना रुके तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं।